नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म। हम बीपीएससी 69th बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने हिस्ट्री कंप्लीट किया था। हिस्ट्री में आप लोगों ने देखा लगभग 29 क्वेश्चन पूछे गए थे, 29-30 क्वेश्चन, जिसमें से लगभग 10 से 11 एंशियंट और मिडिवल से लगभग 4 से 5 था, और बाकी उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री से था लगभग लगभग 15 क्वेश्चन। आज हम देखेंगे राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटिक्स। पॉलिटी में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। पॉलिटी में जैसे 30 नंबर क्वेश्चन यानी 29 तक, इसमें जो था वो आपका 29 नंबर क्वेश्चन तक हिस्ट्री से था, 30 नंबर से पॉलिटी में क्वेश्चन। इसमें 30 में क्या, किसी संविधान का अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशेषताएं क्या है? तो किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी, एसटी के अंदर अनुसूचित करने के लिए, अनुसूचित करने के लिए इसमें क्या है? तो आदिम लक्षणों के संकेत होना चाहिए, ये भी सही है। विशिष्ट पहले तो एसटी जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब स्टेब्लिश कब हुआ था? 2004 में अंडर, इसमें एक एक्ट 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था कब? 2003 में। उसके अंडरगत इसी के अंतर्गत जो है एनसीएसटी के एस्टेब्लिशमेंट का यानी कि फाउंड का प्रोविजन चला गया था, इसको स्थापना करने के, इसी के अंतर्गत इसका स्थापना हुआ था 2004 में। तो जो भी है, किसी समुदाय का अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए जो भी विशिष्ट प्रथाएं होनी चाहिए, उसमें से जैसे आदिम लक्षण संकेत होना चाहिए, विशिष्ट संस्कृति, उसका एक अलग विशिष्ट संस्कृति हो, भौगोलिक अलगाव हो, और अगर बात किया जाए तो बड़े पैमाने पर समुदाय से समुदाय के साथ संपर्क में संकोच हो, पिछड़ापन हो, मतलब उनमें जो है पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही, यानी कि सभी सही है इसमें। तो इसमें से मेन ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि अगली बार पूछा जा सकता है एनसीएसटी यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब की स्थापना कब हुआ था? तो 2004 में। किसके आया था? 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया? मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल हमारा क्या है? पार्ट थर्ड। कहां से लिया गया? ये यूएस से। तो मतलब कि कहां कहां से, कौन से कंट्री से क्या चीज लिया गया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संविधान में, उसके बारे में भी देखना जरूरी है। एक क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है, तो ये लिया गया यूएसए से। पार्ट थ्री में हमारा क्या है? फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार पार्ट थ्री में, और इस जो की है कितना है, आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें अगर और देखा जाए तो जैसे कि आपका यहाँ से यूनाइटेड किंगडम से यानी कि इंग्लैंड है, तो बोलिए तो यहाँ से क्या क्या लिया गया? एक तो सिंगल सिटीजनशिप। अच्छा, आयरलैंड से डीपीएसपी, अभी अभी एक क्वेश्चन पूछा गया है डीपीएसपी कहाँ से आया था, और यहाँ से क्या है फंडामेंटल, इसको क्या बोलते हैं हम, कानून बनाने की प्रक्रिया, ठीक, महिला वेदी का शासन, और सिंगल सिटीजनशिप हो गया, द्विसदनी सदनी प्रणाली, बाइकैमरल पार्लियामेंट, और सीएजी के कार्यकाल भी यहीं से लिया गया, कार्यालय जो भी सीएजी है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, सॉरी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का लिया गया है इसी से, क्या बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम से ही, आयरलैंड से हो गया डीपीएसपी, और कनाडा से हमारा क्या लिया गया है, इसी से सर जो भी है देख लीजिए। भारतीय संघ के अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी, तो अनटचेबिलिटी आपको कौन सा आर्टिकल बोलता है? आर्टिकल 17। देखिए मौलिक अधिकार से दो क्वेश्चन पूछा गया, जान जाइए कि फंडामेंटल राइट कितना इंपॉर्टेंट है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसके पास होता है? तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या का निर्धारित कौन कर सकता है?
उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या, मतलब किसमें, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कौन करेगा? तो करेगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करता है कौन सा आर्टिकल? तो आर्टिकल 216 के तहत राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति दिया गया है। और 216 के अनुसार ये प्रत्येक उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और ऐसे अन्य न्यायाधीश होते हैं जिनको राष्ट्रपति समय समय पर आवश्यकता के अनुसार नियुक्त करता है। तो कौन सा आर्टिकल? 216 के अंतर्गत तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। ठीक, ऐसे कहते हैं वो समय समय पर जिसकी आवश्यकता के अनुसार नियुक्ति करेगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 में भेज देता हूँ। पांचवी अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? तो पांचवी अनुसूचित किसके बारे में? अपने टोटल 12 अनुसूची है, स्टार्टिंग में कितने थे? 8, फिर बाद में 8 हो करके के 9, 10, 11, 12 करके 12 तक आया शेड्यूल टोटल। तो फ्रारिम जो भी पांचवा अनुसूची, पांचवी अनुसूची में किसके बारे में? अनुसूचित जनजाति कुछ क्षेत्रों में। ठीक, तो भारतीय संविधान के पांचवें अनुसूची के अनुसार जनजाति के लोगों के अनुशासन एवं उनके हितों की सुरक्षा से संबंधित है। इसके जनजाति, जनजाति के लोगों के, भारत सरकार ने अनुसूचित क्षेत्र को ऐसे क्षेत्र से अभिप्रेत किया है जिसे राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है। यहाँ से किया होता है कि किसके द्वारा ये अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है? तो वो है राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा। वर्तमान में जो है 10 राज्य जो है वो शेड्यूल 5 के अंतर्गत में है, जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना। ठीक, कौन कौन सा? आंध्र प्रदेश, आंध्र हो गया, तेलंगाना हो गया, ये दोनों एक जगह हो गया, उसके बाद भी झारखंड हो गया। आंध्र, तेलंगाना, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, अभी 4 बचे। छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और 4, 2, 6, 3, 9 हो गए। एक और कौन सा राज्य है? तो वो है मध्य प्रदेश। तो मैप से अगर देख लीजिए इसको दो बार, अनुसूचित जनजाति के लिए भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के किस, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान में मूल ढांचे के सिद्धांत यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ये लगभग लगभग सभी को पता होगा, और अभी भी जो भी क्वेश्चन पूछा गया उस समय के लगभग आपके कैसे नंबर, भारती जी का डेट हुआ था, निधन हुआ था इसी में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के अंतर्गत यह आता है। सबसे प्रथम तो इसी में यूज किया गया था, बाद में उसके बाद भी और भी आए, गोकलनाथ हो गया, मिनर्वा मिल्स हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी चलते हैं। अब इसमें यह दिया गया है कौन से पार्टी की स्थापना कब हुई? 36 नंबर क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आप देखेंगे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, तो इसका स्थापना कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जो है 1964, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925। तो सबसे पहले इसमें से अगर देखा जाए इस चारों ऑप्शन चारों में से, तो सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होता है, फिर उसके बाद फिर होता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। ये क्रोनोलॉजी में भी सजा नहीं दे सकता इनको। ठीक, उसके बाद फिर होता है बहुजन समाज पार्टी 1984, और उसके बाद ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का 1998। मतलब इन चारों में से सबसे नई पार्टी अगर बात करें तो टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी 1984, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो गया 1925, और उसमें अगर मार्क्सवाद लगा देंगे तो ये हो जाएगा 1964। ओके, राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन।
तीन अनुच्छेदन 6 के अंतर्गत अच्छे अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है। तो कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत ऐसा कर सकता है, जो भी लोकसभा का स्पीकर है, तो ये करेगा आर्टिकल 120। आर्टिकल 120 के अंतर्गत अगर किसी भी व्यक्ति को संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित, पहले आर्टिकल 110 120 जो है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा को डिफाइन करता है, कौन सा भाषा में बोलना है क्या। इसमें कहा गया है कि यदि कोई सांसद अंग्रेजी या हिंदी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति कर नहीं कर पाता है, तो उस स्थिति में लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति उसे अपनी मातृभाषा के सदन को मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकते हैं। ठीक, तो मतलब ये क्या है कि हिंदी या अंग्रेजी में अगर वो क्या बोल रहे हैं कंफर्टेबल नहीं है, तो वो अपने मातृभाषा में भी रीजनल लैंग्वेज या अपने मदर टंग जो बोल दीजिए में भी वो सदन में अपनी अभिव्यक्ति को प्रस्तुत कर सकता है, व्यक्त कर सकता है। ओके, और दो 110 तो पता है मनी बिल, और 122 अनुच्छेद 122 क्या बोलता है, ये 122 क्या है, ये न्यायालय को रोकता है किस चीज के लिए, संसद के कार्य की जांच से, मतलब कि न्यायालय को टांग अड़ाने से रोकता है पार्लियामेंट में। ठीक, उसके बाद कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार किया, 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या किया गया है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश करते हैं, और समय इससे न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। ये तो बात सही है, कॉलेजियम में 5 सदस्य होते हैं जिसमें से एक जो होते हैं मुख्य न्यायाधीश जो कि अध्यक्ष होते हैं, और बाकी 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ठीक, उसके बाद संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किया है, ये तो बात गलत है, संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ नहीं किया है। ठीक, उसके बाद क्या है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है, ये भी बात सही है। ये हाई कोर्ट का तो वही किया, सुप्रीम कोर्ट का, हाँ उस सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का तभी आप देखें क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक, लेकिन कॉलेजियम माध्यम से राष्ट्रपति जो भी वो क्या बोलते हैं नॉमिनेट करेंगे वो राष्ट्रपति जो है अपॉइंटमेंट देगा। ठीक, लेकिन उच्चतम न्यायालय का भी कॉलेजियम के माध्यम से ही राष्ट्रपति अपॉइंट करता है, नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है। कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1993 में न्यायाधीश पी एन भगवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज मामले के लक्ष्य में की गई थी। तो ये बात गलत है क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि संसद के किसी अधिनियम में संविधान के प्रावधान के द्वारा इसका स्थापन नहीं किया गया कॉलेजियम प्रणाली का, सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है। ठीक, तभी कितना लफड़ा चला था, अब इसे मुख्य न्यायाधीश के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये क्या बोलते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन के बारे में, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में देना पड़ेगा। इसका फर्स्ट एंड थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के माध्यम से निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। बात तो सही है, गलत है, ये बात सही है। तो यही जोड़ा गया था, कौन कौन से 3 शब्द, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष एंड अखंडता। संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए जो कि गलत है, संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे उस समय 10 जोड़े गए थे। इसमें नए निदेशक सिद्धांत जोड़े, यानी कि 39A, 43A और 47।
तो ये बात भी गलत है। नहीं, ये बात सही है। देखिए ये गलत है, क्यों? क्योंकि जो हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसके अंतर्गत क्या हुआ था, 39A तो जुड़ा गया था, 43A भी जुड़ा गया था, लेकिन 47 नहीं, 48A जुड़ा गया था, जो कि पर्यावरण से संबंधित था। ठीक, तो ये भी हमारा गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। और इसके बाद फिर होता है, इसके द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभाओं मंडलों के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार प्रदान करता है। तो ये बात भी सही है। तो इसमें पूछा गया कौन कौन सा गलत है, दूसरा और तीसरा, ये ऑप्शन भी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने के परिणाम निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो इसमें फर्स्ट बोला गया है क्या, राष्ट्रपति राज्य को राज्य मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकती है। ये तो बात सही है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति की विचारार्थ आरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है। ये तो सिंपल गलत है, सब गलत है, क्योंकि कोई भी वो भी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक हो या कोई भी विधेयक, कोई भी फाइनेंशियल बिल हो, ठीक है, राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने की आवश्यकता पड़ती है, हो सकती है। और ये तो सही है, ये गलत हो गया। उसके बाद राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जजों के साथ संघ के मामलों के संबंध में सेवर सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। ये भी बात सही है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित रखी जाएगी। ये भी सही है, यानी कि इसमें से अगर पूछा जाए कौन सा सही है, तो फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड नंबर ऑप्शन जो है गलत है। इस भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है, उधार लिया गया है? ठीक, आपको पता है आयरिश, आयरलैंड, अभी पीछे ही देखा था। सिक्किम भारतीय राज्य, भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना, तो कब बना ये, 1975, सिक्किम को 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, जबकि 1974, ठीक, तो 1974 में भारतीय संघ में शामिल किया गया था, जबकि 1975 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। कब, तो 36वां संविधान संशोधन, देखो 1900 ये भारतीय संघ में शामिल हुआ था, और 1975 में क्या हुआ, 1975 में ये पूर्ण राज्य का दर्जा पाया, कब, नए 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 के अंतर्गत। और इसके पहले 35 में जो ये जो है 35 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत इसको भारतीय संघ में शामिल किया गया था। तो सिक्किम के बारे में हो गया, तो यहाँ से लगभग 42, यानी कि 13 क्वेश्चन जो है पॉलिटिक्स पूछा गया, कितना, 13 क्वेश्चन। अब इसमें से आप देख सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि कितने क्वेश्चन किया जा सकता है। अगर आप पॉलिटिक्स ठीक ठाक पढ़े हैं, बहुत अच्छा नहीं लेकिन फिर भी अगर ठीक ठाक पढ़े हैं, थोड़ा सा भी ध्यान दिए हैं, तो 13 क्वेश्चन में से आराम से क्वेश्चन किया जा सकता है। और इस बार जो है क्वेश्चन की मात्रा थोड़ा ज्यादा रहेगी, क्वेश्चन की संख्या। थैंक यू, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।